हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने मोटो एज 40 न्यू एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में अगर आपके मोबाइल फ़ोन की इनकमिंग कॉल अगर स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होती है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पर वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फ़ोन की इनकमिंग कॉल अगर स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होती है तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको ना सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। ठीक है, रीस्टार्ट करने के लिए आपको मोबाइल फ़ोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। आपकी स्क्रीन के सामने एक छोटा सा पेज आएगा ये वाला, इसमें आपको रीस्टार्ट पे टैप करना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल फोन जो है ना वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है, हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है ना। अब दोस्तों यहां पर जो है ना आपको अगला प्रोसेस करना ये है, आपके मोबाइल फोन का ये जो कॉलिंग का ऐप है ना, इस कॉलिंग के ऐप को रीसेट करना है, यानी कि इस कॉलिंग के ऐप का डेटा क्लियर करना है। कैसे? देखिए, अगर आप इस कॉलिंग के ऐप को है ना उंगली से दबा के रखेंगे ना तो आपका एक छोटा सा पेज ओपन होगा, मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला। इस छोटे से पेज में आपको एक कोने में सर्कल के अंदर जो आई बटन दिखाई दे रहा है इसे आपको टैप करना है। आपका ना इस तरीके का पेज ओपन होगा, ये फोन का ऐप इन्फो का पेज। इसमें आपको नीचे स्टोरेज गलती से दूसरा ऑप्शन टैप हो गया, इसमें आपको नीचे की साइड स्टोरेज एंड कैच पर टैप करना है। इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो क्लियर स्टोरेज का, दूसरा क्लियर कैच का। आपको पहले इसे क्लियर कैच पर टैप करना है, इसके बाद आपको इसे क्लियर स्टोरेज पर टैप करना है। आपका एक पेज आएगा छोटा सा डिलीट ऐप डेटा का, इसमें ओके कर देना है। तो आपका नीचे की साइड ये यूजर डेटा और ये कैच, इन दोनों के सामने वाला डेटा आपका जीरो हो जाएगा। इस तरीके से आपको अपना ये कॉलिंग का ऐप रीसेट कर देना है, जिससे आपके फोन की जो इनकमिंग कॉल स्क्रीन पे शो नहीं होती है ना, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। अब दोस्तों यहां पर आपको अगला प्रोसेस करना क्या है कि आपको है ना अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर एक बार चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे फोन के सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर अपडेट आता है तो हमें पता नहीं लगता है। तो मोबाइल फोन का जो सॉफ्टवेयर होता है वो अपडेटेड ना होने के कारण भी हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियां आने लगती हैं। तो आपके मोबाइल फोन का जो सॉफ्टवेयर है वो आपका अपडेट है या नहीं, आपको चेक कैसे करना है? देखिए, इसके लिए आपको ना सबसे पहले तो मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है। ठीक है। इसके बाद आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। सेटिंग पेज में आपको ना सबसे नीचे की साइड ये सिस्टम पे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा नीचे की साइड ये सिस्टम अपडेट का, इसे आपको टैप करना है। तो आपको इस वाले पेज में कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल लिखा हुआ दिखाई देता है, उसे आपको टैप कर देना है। इससे आपके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा और आपके फोन का जो इनकमिंग कॉल स्क्रीन पर शो नहीं होती है प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। अब आपको सबसे आखिरी प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट आपको तभी करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं, तब आपको अपने फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज फोन को रीसेट नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको ना सबसे नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है सिस्टम का, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन मिलेगा, इसे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पर टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की जो इनकमिंग कॉल स्क्रीन पर शो नहीं होती है प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात यह ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। ठीक है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद ही आपको अपने फोन को रीसेट करना है। ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जितने प्रोसेस बताए सारे आपको यूज करने हैं, तो इससे आपके फोन की जो इनकमिंग कॉल स्क्रीन पर शो नहीं होती है ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आपको करना क्या है? देखिए, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर है ना वहाँ पर आपको चले जाना है, अपना फोन वहाँ पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर में कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन बताए हैं मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। अगर मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर की किसी कमी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज आपको अपने फोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा।